पाकिस्तान में ना पिछले दिनों बड़ी अजीब सी सिचुएशंस पैदा हुई, लाइक पाकिस्तान में इलेक्शन थे तो इलेक्शन के दिनों में बड़ी अजीब सी क्रिटिकल सिचुएशंस थी कि पीटीआई एक अच्छे मार्जिन से जीत रही थी, लेकिन रातों रात रिजल्ट को चेंज किया गया, लाडले को जिताया गया। जहाँ पे 50K का मार्जिन था उस मार्जिन को ख़त्म करके लाडलों को जिताया गया। मैं बात कर रहा हूँ नवाज लीग की, तो उन्हें अच्छा खासा नवाजा गया। तो बहुत सारे फड्डे पाकिस्तान में चल रहे थे पिछले दिनों। एक तो सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन वो भी नहीं इससे रेलिवेंट थी, वो यूँ थी कि TLP एक जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उस जमात के जो सदर है ना, जो उनके मतलब के जो साद हुसैन रिजवी, जो उनके बानी है, उसने कहा कि अभी रिसेंट उसका बयान आया, उसने कहा कि उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वोट किससे भरे हैं, तो उन्होंने कहा हकीकतन हकीकतन सबसे ज़्यादा वोट हमें भरे। अगर एक बंदा इतनी बड़ी बात कर रहा है तो लाजमन उसने उस पार्टी ने कुछ ना कुछ सीट्स भी जीती होंगी। तो यकीन जाने वो एक पार्टी, वो एक वाहद पार्टी है जिसे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 60 लाख तक तकरीबन वोट पर है और वो एक भी सीट नहीं जीते। पता नहीं ये कैसे पाकिस्तान की ये जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट अनाउंस की, किस तरीके से सारी धांधली हुई। तो मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने वाजिया कहा था ये इलेक्शन ये सिलेक्शन, अगर इससे भी कोई बदतर नाम है तो मैं उसे वो भी दे सकता हूँ। तो दूसरी सिचुएशन ये थी कि एक पार्टी है TLP, वो तकरीबन 40 से 45 तक जो सीट्स थी वो जीत चुकी थी, उनकी वो सीटें सारी, वो इस तरीके से गैप था 50 को 40 किया, 40 को 30 किया, 30 को 20 करके वो गैप ख़त्म किया और उन्हें हराया गया। अब 45 सीट थी, जब मैं देख रहा था तो मैं मेरी आंखों देखी बातें मैं कर रहा हूँ, तो कानों सुनी बातें, तो जब मैंने देखा कि TLP तकरीबन 33 तक की सीट्स को लीड कर चुकी है, फिर नेक्स्ट घंटे बाद मैंने देखा वो 33 से 23 हो चुका है, फिर अगले घंटे बाद मैं देख रहा हूँ वो 13 हो गया, फिर वो 7 हो गया, फिर वो 3 हुआ, 3 पे आगे वो रुका है, लेकिन अचानक फिर से कुछ ना कुछ मतलब कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुआ है, तो एक सीट TLP को मिल रही, एक तो ये सिचुएशन थी। तो बड़े ना अजीब से हालात बने हुए थे। अभी जो थर्ड सिचुएशन बनी वो ये थी कि PTI ने तो चलो फॉर्म 45 के जरिए से वो किया एक के कानूनी कार्रवाई की कि हम कानून के ज़रिए से इन्हें हराएंगे कानूनी तरीके से। तो वो गए, वो अदालत में गए, उन्होंने अपने फॉर्म 45 मतलब कि जमा करवाए, तो बहुत सी सीटें हैं जो उन्हें वापस मिल चुकी हैं, तो उनसे वो वहाँ पे लीड कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि PTI का एक कारकुन, वो जो सपोर्टर है जो उस पार्टी को लीड करता है, वो उनमें से कोई क़यादत में से एक बंदा जाता है साद हुसैन रिजवी के पास और उससे कहता है कि मुझे आपके फॉर्म 45 चाहिए। तो साद भाई ने मना नहीं किया, साद हुसैन रिजवी ने मना नहीं किया, उसने उसे कॉपी करवा के दे दिया। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि जब ये सिलसिला ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई थी, जब ये सोशल मीडिया पर आई तो PTI के जो जितने भी बंदे थे वो एकदम से, उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने बकायदा साद हुसैन रिजवी पर ट्रेंड चलाया, इतनी वीडियोस बना दी कि साद हुसैन रिजवी यू आर द बेस्ट पर्सन, ग्रेट पर्सन। तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत ही सराहा, बहुत ही एक अच्छी बात थी। हालांकि इस एक्ट से पहले देखा जाए तो ये सिर्फ गालियां निकालते हुए नज़र आए हैं साद हुसैन रिजवी को ना, PTI के जितने भी सपोर्टर हैं। तो PTI की जो एक कारकुन है ना, जितने भी कारकुन हैं, वो चाहते हैं कि ये पार्टी ये PTI के साथ मतलब कि मिल के काम करें। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ यही पार्टी है जो वाहिद है, जो किसी भी मतलब के ना गलत नहीं है, बिल्कुल वैलिड जा रही है पार्टी। तो वो चाहते हैं कि वैलिड बंदे हैं तो वैलिड बंदे हमारे साथ रहें, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी किस जगह पे खड़ी है। तो इस लिहाज से साद हुसैन रिजवी ने सिर्फ फॉर्म 45 उन्हें जमा करवाए, ये नहीं कि उनके नज़रिए के साथ उनके साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाएंगे, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था। लेकिन अगर आवाम को रियलिटी पता हो तो मेरे ख्याल से जितने भी PTI के सपोर्टर हैं वो साद हुसैन रिजवी को कभी भी गलत नहीं कहेंगे, बहुत ही करेक्ट बंदा है वो, बहुत ही अच्छा बंदा है, जिन्हें पता है वो मानते हैं, जिन्हें नहीं पता वो नहीं मानते। तो अगर रियलिटी चेक उनके सामने रखे जाएंगे ना, जब सबकी हकीकत लोगों के सामने आएगी, तो जो सबसे वाहिद पर्सनैलिटी नज़र आएगी वो साद हुसैन रिजवी की ही नज़र आएगी। क्योंकि एक बंदे का नज़र आता है, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा गया, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती तो उन्हें 45 जो सीटें उन्हें मिली हुई थी चलो वो दे देते, फिर लोगों का कहना हम एग्री भी करते कि यार ये एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, लेकिन नहीं, उन्हें एक भी सीट नहीं देगी। तो 60 लाख वोट मुंह से कहना है कि इतना वोट पड़ा है जो कि
मतलब कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट पर है, तो मुंह से कहने वाली बातें, तो एक भी सीट नहीं मिली। एस्टेब्लिशमेंट वाले जो इल्जाम लगाते थे वो भी झूठा निकला। फिर ये है कि नून लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू होने वाला, साधु सैन रिजवी की जानिब से उन्होंने एक बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो पूरे पाकिस्तान का वो दोबारा से एक एहतजाजी वो राउंड निकालेंगे। तो नून लीग पीटी एक सपोर्टर कहते जी कि ये नून लीग की भी जमात है, तो वो भी उन्होंने ख़त्म, मतलब कि ये भी बात गलत साबित कर दी। तो इस लिहाज से ना बहुत से लोगों का रुझान हुआ है वो टीएलपी की जानी हुआ है। 60 लाख वो वोट है जो नजर आया, लेकिन हकीकतन वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा वोट पर आया। ये हकीकत है, कोई बंदा है इस चीज़ को एग्री करे ना करे, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा वोट पर आया और अच्छा खासा वोट पर है। नून लीग को तो वोट नहीं पड़ा, अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो वो 2 नंबरी से हुकूमत बनाते हैं। नो डाउट पीटीआई को वोट पड़ा, अच्छा खासा वोट पड़ा, लेकिन ये है कि मैं कहूंगा कि इन दोनों के सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान जो था मुकाबला था, ना पीपल पार्टी को वोट पड़ा ना नून लीग को वोट पड़ा। वोट पड़ा टीएलपी को या पीटीआई को। तो बड़ी अजीब किस्म से सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो देखो, बाकी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान का बेहतर करे। यही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।